अब बात करते हैं हम लोग एपोलोनियस थ्योरम की, ठीक है। अभी हम सिर्फ मीडियन की ही बात कर रहे हैं, सारी चीजें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मीडियन को लेके निकालने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे एपोलोनियस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास ए डी बी एफ सी ई क्या है, मीडियन है किसी ट्रायंगल ए बी सी के, तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे लेंथ की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये यहां पे देखें तो हम बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये क्या है, बराबर है, ये भी क्या है, मीडियन है, ठीक है। हम बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, टू टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ मीडियन, टू टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं, बी डी स्क्वायर बोल सकते हैं, डी सी स्क्वायर बोल सकते हैं, क्यों, यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, बी डी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम बी डी बराबर क्या बोल रहे हैं, डी सी, क्योंकि क्या है, मीडियन है, मीडियन क्या करती है, मीडियम क्या करेगी, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो हम बी डी की जगह डी सी भी लिख सकते हैं, बी डी की जगह डी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो रही ए सी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्या हम कुछ और भी लिख सकते हैं, क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखें, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो टू टाइम्स ऑफ, इन दोनों को लिया हमने तो बीच वाली इक्वेशन, मीडियन सी ई स्क्वायर प्लस ए ए स्क्वायर लिख दें या ए बी स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है, ए ई स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है, दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए कर दिया। अब इन दोनों के लिए भी कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो टू टाइम्स ऑफ बी एस स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ बी एफ का स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से किसी भी एक साइड ए एफ ले लेते हैं, ए एफ का स्क्वायर, बात समझ में आ गई। अब इसे याद कैसे रखा जाए, याद कैसे रखा जाए, देखो याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेहतर तरीका हम लोग क्या जानते हैं कि हमें पता है पाइथागोरस क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये सिर्फ याद करने का तरीका और कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ याद करने का तरीका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। तो अब याद कैसे रखना है, देखो हमें ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी और ए सी डी, है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से अगर ब्रेक कर दें हम लोग तो ए बी स्क्वायर, ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है यहां से, ठीक है, ये कोई डेरिवेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ याद करने का तरीका देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम पाइथागोरस मान ले तो, अगर ये पाइथागोरस लगा पाए यहां पर, यह 90 डिग्री हो जाए तब ऐसा होगा, क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक। इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां ए सी स्क्वायर, यहां भी क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में क्या, टू टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी और डी सी बराबर है, बी डी और डी सी बराबर होंगे क्योंकि ये मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा लेंथ को, तो हमने क्या लिख दिया, मान लो यहां बी डी यूज किया तो हम बी डी बोल देते हैं, टू टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर, तो हमने यहीं से फॉर्मूला बना दिया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही चीज तो है, ये चीज तो हमने यहां लिखी है। अब ये कोई डेरिवेशन नहीं, इसे भी याद करने का तरीका, दो ट्रायंगल देखें, क्योंकि ये चीज अगर अप्लीकेबल, मान लो ये क्या हो जाता 90 डिग्री, ये क्या हो जाता 90 डिग्री हो जाता, तो भी तो अप्लीकेबल करवाना है हमें, तो हम वर्स्ट कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसके बारे में हमें पता है, जो कंडीशन हमें नोन है, अगर ये ऐसा बन रहा है तो हमने क्या मान लिया इसे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या मान लें, इसे ये हो सकता है वर्टिकल हो, तो क्या यहाँ पे कोई कंडीशन दी गई है हमें कि नहीं ये परपेंडिकुलर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्या ऐसा बोला गया कि मीडियन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, कभी नहीं बोला गया हमसे, तो हमने कभी डेफिनेशन में नहीं पढ़ा, कंडीशन में नहीं पढ़ा, इसका मतलब इसकी वर्स्ट कंडीशन लेके चलो जो हमें नोन हो, तो
तो हमने ले ली कंडीशन, हो सकता है कि कंडीशन हो जो एडी क्या हो परपेंडिकुलर हो, तब तो हम लगा सकते हैं ना यहाँ पे, तब तो हम लगा सकते, तो हमने वही मान लिया। ठीक है, तो हम लोग ऐसी कंडीशन लेके चलेंगे जिसके बारे में नोन है और वहीं से हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। क्लियर? तो हमें सिर्फ याद करने का तरीका है, लेकिन याद कौन सी चीज रखनी है हमें, एक ये वाली फॉर्मूला याद रख लें अगर तो बेहतर होगा, या फिर ऐसे याद रख लें ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, इन साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर, उनके बीच में देखो ये मीडियन जा रही है, प्लस अपोजिट साइड में से किसी एक को भी ले लो। बात समझ में आ गई? अपोजिट साइड में से किसी एक को भी ले लेंगे हम लोग। क्लियर है बात? फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द मीडियंस, ट्रायंगल दिया हुआ है, मीडियंस दिए गए हैं और जो हमारी साइड से ट्रायंगल की उनकी लेंथ दी गई है, और हमसे पूछा गया हर एक मीडियन की लेंथ बताइए। हमें पता है कि मीडियन ए डी है, मीडियन ई सी है, मीडियन एफ बी है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए डी निकालते हैं। क्या निकालें? ए डी। ए डी निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कर लें, बी डी स्क्वायर कर लें या फिर डी सी स्क्वायर कर लें, एक ही बात है ना, एक ही बात है। ए बी स्क्वायर हमें पता है 36, 6 का स्क्वायर कर देंगे। ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2। ए डी स्क्वायर हमें ए डी निकालना है प्लस बी डी कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? कितना हो जाएगा यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से 36, 144, 180, 180 बाई 2 90 माइनस 25 ये आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये आ जाएगी ए डी की वैल्यू, कितने आ जाएगी 65, है ना, ए डी इक्वल टू रूट 65। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिमिलरली हम लोग और भी चीज़ें निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए ए डी की जगह हम अगर बी एफ निकालने की कोशिश करें, बी एफ निकालने की कोशिश करें, तो हमें 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एफ का स्क्वायर, है ना, ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस साइड दिस मीडियन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना, इसका आधे का स्क्वायर करना है ना हमें, ठीक है, एफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100, 136 बाई 2, 68 माइनस 36 इक्वल टू बी एफ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक, कितना आ जाएगा 36 माइनस 4 32 रूट 32, बी एफ बराबर रूट 32, या फिर बोल सकते हैं 4√2। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं हम लोग सिमिलरली, यहां से सी निकालना है देखो, तो इसके बगल वाली साइड का स्क्वायर कर दो प्लस इस और बगल वाली साइड का स्क्वायर कर दो, 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी ई स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड का आधा, 6 का आधा 3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां कितना हो जाएगा 244, है ना, तो 122 माइनस 9 और ये आ जाएगा अंडर रूट में सी ई, कितना आ जाएगा 9 12 13 रूट 113, ये क्या रहेगा आंसर। बात समझ में आ गई? बी एफ बराबर 4√2 आ जाएगा यहां से। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, सी ई की वैल्यू। क्लियर है बात? एपोलोनियस थ्योरम का यूज करके हम लोग एक रिजल्ट बना सकते हैं, जो कि देखते हैं कैसे बनेगा। हम लोगों ने देखा था कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस दोनों में से किसी एक का स्क्वायर कर दें, बी डी स्क्वायर कर दो या सी डी स्क्वायर कर दो, दोनों बराबर है क्योंकि मीडियन है। अब देखो तीनों के लिए हमने लिख लिया है, ठीक है, तीनों मीडियन के लिए हमने लिख लिया है, यहाँ पे तीन इक्वेशन बन गई। अब एक काम अगर हम ये कर सकते हैं यहां से कि तीनों को ऐड कर दें, क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर दें। अब तीनों को ऐड कर देंगे यहां से, तो यहां देखो ए बी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा यहां पे, 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये सब भी 2 टाइम्स है, क्या ये सब भी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम लोग 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर
साइड्स को हमने अलग लिख लिया, ये बी, सॉरी मीडियंस को अलग लिख लिया हमने, ये सी ई है, प्लस हमने क्या लिख लिया है, टू टाइम्स बी डी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस, ये रिजल्ट देखो निकाल तो सकते हैं हम लोग, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा हमारा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट को प्रीफर करते हैं। याद रखना, हमने यहाँ देखा कि भाई बी डी है, यहाँ पे क्या है, बी डी है, बी डी किसका आधा है, बी सी का, बी डी किसका आधा है, बी सी का आधा है ना, तो हमने बी डी को क्या लिख दिया, बी सी बाई टू का स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर बाई फोर। ए एफ देखा हमने, एफ क्या है, ए सी का आधा है, ए एफ क्या है, ए सी का आधा है, तो ये हो जाएगा फोर। भाई ये फोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे क्या था, मान लो ए ई के लिए सॉल्व करें, ए ई स्क्वायर है, यहाँ पे ए ई की वैल्यू कितनी है, कितना है यहाँ पे, ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ए बी बाई टू, तो ये ए बी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ए बी स्क्वायर बाई फोर, क्लियर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, दो का टू का अगर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग यहाँ पे, तो बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ना फोर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट उसी में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, ये टू बाई फोर है, इसको लिख दिया हम वन बाई टू। हमने देखा यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसे यहाँ लेके आएंगे एल एच एस में ले आएंगे, तो ये टू टाइम्स से माइनस वन बाई टू टाइम्स, मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टू टाइम्स है, इससे टू को हटाओ भैया, एलसीएम तो रहेगा ना नीचे, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा फोर, कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी ये ए डी नहीं है, कितना हो जाएगा, हाँ ये कितना है, ए डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या बोल दिया, यहां से कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका रेशियो कितना है, 4/3। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, क्या कि द सम ऑफ द स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस, मीडियंस का सम किसका, मीडियंस के स्क्वायर का सम अगर कर देंगे और इनका रेशियो ले लेंगे तो ये 4:3 आएगा, ठीक है। या तो ऐसे याद रख लो, यहीं से याद रख लो, 3 टाइम्स ऑफ दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ दिस मीडियंस का स्क्वायर, ठीक है, कैसे भी याद सकते हैं, अपना अपना तरीका है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बस याद रखनी है, मैं प्रूफ है मतलब नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है कि ये होती 6 चीज, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से इनका रेशियो क्या आएगा, 4/3, इंपॉर्टेंट चीज है ये। मान लेते हैं हम लोगों के पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ए डी बी एफ एंड सी ई आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब वो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो जो ए बी बी सी और ए सी से मिलके एक ट्रायंगल बनने वाला है, तो उस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे, हमने निकाल लिया, और किसका एरिया निकालें हम लोग, उसका एरिया निकालेंगे जो मीडियंस है ना, अगर उन्हें हम क्या ले लेते हैं, लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल ले लें, अगर इफ की बात हो रही है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ठीक, ये क्या है मीडियंस, अगर हम लोग क्या ले लें ए डी बी एफ एंड सी ई जो तीन साइड से, अगर इनसे एक ट्रायंगल को फॉर्म करें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों का रेशियो लेंगे तो यहां रेशियो आएगा 4/3। यहां भी हमने क्या देखा था, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टू द किसका, टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, इनका रेशियो भी कितना आया था, 4/3, क्लियर। चलिए देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिलेटेड है एरिया से। मान लो हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, जिनमें मीडियन से हमारे पास एडी बीएफ एंड सीई, ये क्या है मीडियन से। अगर हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे
मीडियन से तो भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए तीन साइड चाहिए, जो कि हमारे पास तीन मीडियन से, तीनों को यूज करके हम लोग एक क्या बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। अगर हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी देखें, आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्केलन ट्रायंगल हो, ठीक है, सभी के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, रही बात जो मीडियन से हम लोगों के पास, कौन सी, ए डी बी एफ एंड सी, अगर ये तीनों साइड्स को अगर हम ले लें और ट्रायंगल बनाए, तो उसका जो एरिया निकलने वाला है दोनों का अगर रेशियो ले ले, तो रेशियो आएगा 4/3। बात समझ में आई? और रेशियो 4/3 किसका था, अभी हमने देखा था एपोलोनियस थ्योरम से, तो इसका क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है यहां से, कि जो ट्रायंगल की साइड्स हैं अगर उनका स्क्वायर करके ऐड कर दें, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, तो दोनों का अगर रेशियो ले तो रेशियो आएगा 4/3। सिमिलरली यहां एरिया की बात हो रही है, ऊपर हमें लिखना है एबीसी से बनने वाला जो एरिया है वो, और यहां सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, यहां नीचे हमने किससे डिवाइड किया है, रेशियो लिया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, और यहां पे उन्हीं मीडियंस का सम ऑफ द स्क्वायर्स किया है हमने, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, जो कि क्या है, ए डी बी एफ एंड सी। बात समझ में आ गई? तो ये भी कितना आएगा, 4/3। इसी के साथ में इसलिए पढ़ा क्योंकि यहां पे हमें क्लियरली पता लग जाएगा रिलेशन, 4/3 यहां भी आ रहा, 4/3 यहां भी आ रहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बी सी सी ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी ई बी एफ, तो समझ जाएंगे हम लोग कि यहां पे किस रेशियो की बात हो रही है। क्लियर?